हेलो स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन में दो तरह से रिप्रोड्यूस करता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड कॉन्जुगेशन पहले हम लेते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन यहां एग्जाम्पल दिया गया है पैरामीशियम कॉडेटम का तो इसमें क्या होता है कि पैरामीशियम जो है जिस समय कंडीशन फेवरेबल होती है यानी परिस्थितियां अनुकूल होती है पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है टेम्परेचर सही है तो ऐसी अवस्था में जो पैरामीशियम है वो पहले अपना पूरी तरह से भोजन ग्रहण कर लेता है और भोजन ग्रहण करने के बाद में जब उसको डिवाइड होना होता है किस तरह का डिवीजन बताया है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन द्वि विभाजन के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जिस समय इसको डिवाइड करना होता है उससे पहले ये अपना भोजन लेने की जो प्रोसेस है उसको रोक देता है यानी स्टॉप्स फीडिंग स्टॉप्स फीडिंग यानी कि अब जो जो भोजन जहां से आ रहा था वो कौन का, सा था ओरल एपरेटस वाले जितने भी संरचनाएं हैं जो कहां से बताई थी ओरल ग्रूव तो ओरल ग्रूव है वेस्टिब्यूल है बकल कैविटी है यानी वो सारे ओरल एपरेटस क्या हो जाते हैं डिसअपियर हो जाते हैं तो यहाँ फर्स्ट मैंने पैरामिशियम का डायग्राम बनाकर सीधा यहाँ लिखा है स्टॉप फीडिंग यानी ए सेक्शुअल रिपोर्डक्शन करने से पहले ट्रांसवर्स बाइनरी विजन करने से पहले पैरामिशियम भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है तो उसके बाद में क्या होगा इसका ओरल ग्रू और ओरल एपरेटस ये डॉट 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 दिख रहा है ना यानी ये डिस होने लग जाता है ओरल ग्रू और ओरल एपरेटस अपर, अपर, पूरा डिसअपियर होने लग जाता है अब उसके बाद क्या होता है माइक्रो न्यूक्लियस में क्या चेंज होता है माइक्रो न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होती है यानी माइटोसिस होता है अब यह माइटोसिस सामान्य माइटोसिस से किस तरह से अलग है सामान्य माइटोसिस में तो के दौरान क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैम्ब्रेनअपियर होती है और लास्ट में यानी टीलो फेस के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होती है लेकिन यहाँ अंतर यह है कि माइटोसिस तो हो रहा है इसमें माइक्रो न्यूक्लियस में लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती है तो जिस समय माइक्रो न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन करता है उसी समय मैक्रोन्यूक्लियस में भी डिवीजन होता है लेकिन मैक्रोन्यूक्लियस में ए माइटोटिक डिवीजन होता है यानी यहाँ पर माइटोसिस वाला प्रोसेस नहीं होगा सीधा क्या होगा माइक्रोन्यूक्लियस लंबाई में बड़ा होगा ठीक है और यहाँ सेंटर में जो है एक खांच जैसी संरचना बनेगी और ये एक डंबल जैसी आकृति ले लेगा और उसके बाद में ये बीच में से टूटकर दो हिस्सों में बंट गया तो यहाँ क्या लिखा है ओरल ग्रूव एंड ओरल एपरेटस ओरलियर माइक्रो न्यूक्लियस बाय माइटोसिस लेकिन अंतर क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और न्यूक्लियस जो है उसमें ए माइटोटिक डिविजन होती है ठीक है उसके बाद हमें ये बताना है कि साइटोप्लाज्म का डिविजन तो दोनों माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए अब ये बताया है माइक्रो न्यूक्लियस जो है ये दो ऑपोजिट पोल पे जा रहे हैं है? और अब यहाँ पर सेंटर लगभग सेंटर वाले भाग में बाहर की तरफ से फरो बनने लग जाती है ये फरो बाहर की तरफ से बन करके अंदर की तरफ जाती है तो इस तरह से जो है साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो जाता है और जो एक माइक्रो न्यूक्लियस से दो डॉटर माइक्रो न्यूक्लियस बने थे दोनों ऑपोजिट पोल पर चले गए इसी तरह मैक्रो न्यूक्लियस से जो दो न्यूक्लियस बने थे वो जो है दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं अब उसके बाद में क्या होता है कि दोनों में दोनों में अब वापस से ओरल ग्रुव फॉर्मेशन होगी और ओरल एपेटस का फॉर्मेशन होगा क्योंकि वापस इसको भोजन ग्रहण करना है तो दोनों के साइड साइड में में ओरल 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 और oral, oral, oral का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और ओरल एपरेटस बन जाते हैं ओरल एपरेटस बनने के बाद में अब यहां से सेंटर में से इसका पूरा साइटोप्लाज्म का भी विभाजन हो जाता है और इस तरह से एक पैरामीशियम से दो डॉटर पैरामीशियम बन जाते हैं दोनों डॉटर पैरामीशियम जो बने हैं ये जो जनक पैरामीशियम है इससे साइज में थोड़े से छोटे होते हैं शुरू में लेकिन ये दोनों ही सेम साइज के होते हैं शेप और स्ट्रक्चर यानी आकार आकृति और संरचना साइज शेप एंड स्ट्रक्चर दोनों के क्या होते हैं एक जैसे होते हैं पैरामीशियम के एंटीरियर वाले एंड से जो डॉटर पैरामिशियम बनता है उसको प्रोटैक्टर कहते हैं और पोस्टीरियर वाले एंड से जो डॉटर पैरामिशियम बनता है उसको कहते हैं इस इस पूरे जो जो पूरा ट्रांसफर्स बाइनरी फीजन है इस पूरे में समय लगता है लगभग थर्टी मिनट का लेकिन उसके बाद में ये दोनों जो डॉटर पैरामीशियम को अलग होने में जो समय लगता है उसके बाद में वो लगता है लगभग एक घंटे का और एक दिन में एक पैरामिशियम दो से चार बार बाइनरी फीजन कर सकता है और यह किस चीज पर निर्भर करता है कि एक दिन में यह कितनी बार बाइनरी फीजन करेगा यह एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के कि कितनी मात्रा में जो है जल इसको मिल रहा है उस जल में फूड कंटेंट कितना है पानी का टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ एनिमल नंबर यानी घनत्व उस घनत्व में पैरामिशियम की संख्या कितनी है एज ऑफ कल्चर यानी संवर्धन जिसमें करवाया जा रहा है पैरामीशियम का उस संवर्धन की आयु कितनी है और फिजियोलॉजी इसके साथ साथ में कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जिस चीज पर यह निर्भर करता है कि पर डे में पैरामीशियम कितनी बार बाइनरी फिजन करेगा तो ये तो हो गया इसका ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई जो कब होगा जब कंडीशन कैसी होंगी फेवरेबल होंगी ठीक है और किस प्रकार का बताया है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन अब जो दूसरा है इसका रिप्रोडक्शन का मेथड वो है कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन जो है इसे हिंदी में कहेंगे संयुग्मन, ठीक है कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो कॉन्जुगेशन जो है इसको कंपेयर किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है अब जो ये कंपेयर करते हैं इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान यानी युग्म बनता है पेयर बनता है सह जाति के दो पैरामीशियम कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ संयुक्त होकर के पेयर बनाते हैं और इनके बीच में एक ब्रिज बन जाता है जो ब्रिज है वो क्या है दोनों का प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक दूसरे से जो है जुड़ता है और एक का माइक्रोन्यूक्लियस दूसरे पैरामीशियम में जाता है ठीक है तो इस कारण से कुछ वैज्ञानिक इसे कंपेयर करते हैं कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस मत से इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि इस दौरान गैमेट नाम की कोई चीज नहीं बनती है ठीक है तो इसीलिए ये वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है पर फिर भी इसे मान सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है अब हम आते हैं कॉन्जुकेशन का प्रोसेस कॉन्जुकेशन का जो सिंपल प्रोसेस है ये दिया गया हर्टविंग और मोपस नामक वैज्ञानिक ने 1889 में इस प्रोसेस के बारे में बताया ठीक है तो हम यहां से शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होता है सह जाति के दो सदस्य आपस में एक दूसरे से फ्यूज करते हैं यानी युग्म बनाते हैं कौन से हिस्से से युग्म बनाते हैं ओरल ग्रूव की तरफ से दोनों का जो ओरल ग्रूव है कनेक्ट होते हैं उससे पहले ये अपना भोजन ग्रहण करना बंद कर देते हैं जिस तरह से ए सेक्शुअल प्रोडक्शन में भी था कि बाइनरी फिजन करने से पहले जो है भोजन लेना बंद कर देते हैं ओरल ग्रुव और ओरल एपरेटर्स जो है वो सारा जो है डिजोल्व हो जाता है तो उसी तरह से यहाँ पर दो सदस्य जो है सहजाति के सदस्य पैरामिशियम के ओरल ग्रूव की तरफ से एक दूसरे के साथ में जो है वो अटैच हो जाते हैं फर्स्ट स्टेप तो सेकंड स्टेप इसमें क्या है यहाँ देखो इसमें मैक्रोन्यूक्लियस ये मैक्रोन्यूक्लियस जो है दोनों का ये टूटकर डिसअपियर होने लग जाता है तो मैक्रोन्यूक्लियस डिसअपियर हो गया यानी मैक्रोन्यूक्लियस का अब इसमें आगे रोल नहीं है लेकिन माइक्रोन्यूक्लियस दो बार डिवाइड करता है दो बार डिवाइड करता है तो एक से कितना बना दो और दो से कितने बन गए चार यानी माइक्रोन्यूक्लियस दो बार डिवाइड करता है उन दो बार डिवाइड करने में जो फर्स्ट डिवीजन होती है वो होती है रिडक्शन डिवीजन तो इससे हम किससे कंपेयर कर सकते हैं इसे हम कंपेयर कर सकते हैं मियोसिस से क्योंकि मियोसिस में भी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है तो जिसके अंदर मियोसिस फर्स्ट कैसा होता है रिडक्शन डिवीजन होता है और मियोसिस सेकंड कैसा होता है माइटोसिस के समान होता है ठीक है तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं कि माइक्रो न्यूक्लियस दो बार डिवाइड किया जिसमें फर्स्ट डिविजन जो है वो क्या है रिडक्शन डिविजन है और सेकेंड डिविजन नॉर्मल है जिसके रिजल्ट से प्रत्येक पैरामीशियम का जो माइक्रो न्यूक्लियस है उससे चार न्यूक्लियस बनेंगे क्योंकि रिडक्शन डिवीजन हुआ यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह गई ठीक है तो हैप्लॉइड क्या होते हैं गैमेट होते हैं ठीक है थीके? तो यहां हमने लिख दिया एन हैप्लॉइड तो इसे हम कंपेयर कर सकते हैं इसे हम गैमेट कह नहीं सकते लेकिन इसे हम कंपेयर कर सकते हैं गैमेट से ठीक है तो यहां पर जो है एक माइक्रो न्यूक्लियस से चार जो है न्यूक्लियस बन गए जो प्रकार के हैं अब इन चार जो है प्रत्येक में चार जो न्यूक्लियस बने हैं इन न्यूक्लियस में से तीन डिसअपियर हो जाते हैं तीन डिसअपियर हो जाते हैं तो कितना रहा केवल एक रिमेनिंग रह जाता है अब यहां से भी आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करो ओजिनेसिस से उजिनेसिस प्रक्रिया में क्या होता है तीन पोलर बॉडी बनती है और एक ओवा बनता है और पोलर बॉडी क्या हो जाती है डिसअपियर हो जाती है तो यहां हम इसको कंपेयर कर सकते हैं बाय बाईस तो चार में से तीन डिसअपियर हो गए केवल एक जो है न्यूक्लियस रह गया ठीक है अब यह न्यूक्लियस अभी भी क्या है अवस्था में है अब यह है जो न्यूक्लियस जो एक रह गया है यह डिवाइड करता है लेकिन अनइक्वल डिवीजन होता है अनइक्वल डिवीजन यानी कि इनके परिणाम स्वरूप जो दो कोशिकाएं बनेंगी जो दो न्यूक्लियस बनेंगे वो दो न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस बड़ा होगा और एक न्यूक्लियस छोटा होगा तो यहां पर जो है एक बड़ा न्यूक्लियस जिसे मैक्रोन्यूक्लियस न्यूक्लियस कह देंगे एक छोटा न्यूक्लियस जिसे माइक्रो न्यूक्लियस कह देंगे अब यहाँ हम न्यूक्लियस के बजाय प्रो न्यूक्लिया शब्द का प्रयोग करेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर क्या है हेप्लॉयड है, है ये तो एक मैक्रो और एक माइक्रो जो है प्रो बनेगा अब इनमें से मैक्रो क्योंकि बड़ी साइज का है ये फिक्स है यानी ये या अपने अपने पैरामीशियम में फिक्स रहेंगे लेकिन माइक्रो प्रोन्यूक्लिया जो छोटी साइज का है तो ये मूवेबल है तो यहाँ क्या है मैक्रो न्यूक्लियस मैक्रो प्रो न्यूक्लिया तो अपने अपने पैरामीशियम में बना रहता है लेकिन माइक्रो प्रो माइक्रोप्रोन्यूक्लिया एक पैरामीशियम का दूसरे में आ गया ये एरो शो कर रहा है ना यहां से यहां और इस वाले पैरामीशियम का इस वाले पैरामीशियम में आ गया तो यहां क्या हुआ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है ठीक है यानी एक पैरामीशियम माइक्रो न्यूक्लियस दूसरे पैरामीशियम में आ जाता है जो ब्रिज बना होता है उसके थ्रू पैरामीशियम में जो है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ माइक्रोप्रोन्यूक्लिया एक्सचेंज होते हैं ठीक है तो उसके बाद में क्या होगा यहां पर यहां जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज होना तो कुछ इस कारण से भी इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर कर सकते हैं अब उसके बाद में क्या है एक्सचेंज होने के बाद में ये दोनों जो माइक्रो न्यूक्लियस जो एक्सचेंज हुआ था ये दूसरे वाले मैक्रो न्यूक्लियस के साथ में अब इसका फ्यूजन होगा तो फ्यूजन होने से एन प्लस एन यानी क्या बन गया टू एन वापस अवस्था कौन सी आ गई डिप्लॉयड अवस्था आ गई ठीक है तो डिप्लॉयड अवस्था आ गई तो अब इसको क्या कहते हैं जाइगोड न्यूक्लियस क्या कहेंगे इसको जाइगोट न्यूक्लियस और ये जो दोनों कॉन्जुगेंट हैं इन दोनों कॉन्जुगेंट में दो प्रयोग न्यूक्लिया एक माइक्रो और एक मैक्रो दोनों जो है फ्यूजन करके बना लेंगे न्यूक्लियस ठीक है अब जाइगोट में नॉर्मली जायगोट बनने के बाद में क्या होता है क्लिबिश शुरू होता है है ना तो यहां हम क्लिबिश शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे लेकिन यहां पर क्या है इस जाइगोट न्यूक्लियस में डिविजन होगा तीन बार एक बार डिविजन हुआ दो न्यूक्लियस बने दो बार डिवीजन हुआ चार न्यूक्लियस बने तीसरी बार हुआ तो चार से कितने बन गए आठ यानी तीन टाइम डिवाइड करेगा जाइगोट न्यूक्लियस एक से दो बने दो से चार और चार से आठ इन आठ में से चार साइज में बड़े हो जाते हैं और चार छोटी साइज के ही रहते हैं तो जो चार है वो मैक्रो न्यूक्लियस बन गए और चार क्या रह गए माइक्रो न्यूक्लियस ही रह गए अब यहां पर मैक्रो न्यूक्लियस ये ऐसे के ऐसे रहेंगे लेकिन माइक्रो न्यूक्लियस जो चार बने हैं उनमें से तीन डिसअपियर हो जाएंगे तो तीन डिसअपियर हो गए यानी क्या बच गया केवल एक माइक्रो न्यूक्लियस बचा है ना अब इसके बाद में यहां जो है माइक्रोन्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा ये माइक्रो न्यूक्लियस एक बार डिवाइड करा दो माइक्रो न्यूक्लियस बने इसके साथ साथ में साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हुआ तो इससे जो दो पैरामीशियम शुरू में बनेंगे उसके अंदर प्रत्येक डॉटर पैरामीशियम में एक माइक्रो न्यूक्लियस है और दो मैक्रोन्यूक्लियस न्यूक्लियस है ठीक है फिर वापस इसमें माइक्रो न्यूक्लियस में डिविजन होगा माइक्रोन्यूक्लियस एज इट इज रहेंगे अब यहाँ इसके डिवाइड इस वाले के डिवाइड होने से क्या बनेगा दो पैरामीशियम बने डॉटर पैरामीशियम दोनों में एक एक माइक्रो न्यूक्लियस है और एक एक माइक्रो न्यूक्लियस आपस में बट गया इसी तरह से इसमें है माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ मैक्रो न्यूक्लियस एज इट इज रहेंगे साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा तो एक मैक्रो न्यूक्लियस एक एक डॉटर पैरामीशियम में चला जाएगा तो इस तरह से क्या बने एक जो कॉन्जुगेंट है उससे चार डॉटर पैरामीशियम बन जाते हैं इसी तरह से दूसरे कॉन्जुगेंट से भी चार डॉटर पैरामीशियम बन जाते हैं तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है किसकी कॉन्जुगेशन की अब आप सीधा फटाफट इसका हम एक रिविजन कर लेते हैं केवल आप डायग्राम याद रखें सबसे पहला स्टेप क्या है दो पैरामीशियम का फ्यूजन होना जो फ्यूज हुए पैरामीशियम है वो कॉन्जुगेंट कहलाएंगे सेकेंड स्टेप क्या है मैक्रो न्यूक्लियस का डिजोल्व होना माइक्रो न्यूक्लियस दो बार डिवाइड होगा दो बार डिवाइड होगा तो फर्स्ट डिवीजन रिडक्शन डिवीजन होगी रिडक्शन डिवीजन होने के कारण हैप्लॉइड गैमेट बन जाए हेप्लॉइड जो है प्रो न्यूक्लियर बनेगा इनमें से भी तीन डिसअपियर हो गए एक एक रह गया ये जो एक रहा है इसमें अनइक्वल डिविजन होगा एक बड़ी साइज का और एक छोटी साइज का यानी मैक्रो और माइक्रो प्रो न्यूक्लियाई बनेंगे मैक्रो प्रो न्यूक्लियाई क्योंकि बड़ी साइज के हैं अपने अपने कॉन्जुगेंट में रहेंगे माइक्रो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा तो यहां पर क्या हुआ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अब उसके बाद में होगा फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियाई माइक्रो एंड मैक्रो ठीक है फ्यूजन होने के बाद जायगोट न्यूक्लिया बना जायोट न्यूक्लिया बनने के बाद में तीन बार जो है इसमें डिविजन कितने बन गए आठ न्यूक्लियस बन गए आठ में से चार बड़ी साइज के हो जाते हैं चार छोटी साइज के चार जो है उनमें से तीन डिसअपियर हो जाएगा एक जो रह गया तो इसमें अब डिविजन होगा दो बार फर्स्ट डिविजन से जो है दो माइक्रो न्यूक्लियस बनेंगे फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ तो प्रत्येक में दो दो माइक्रो चले गए फिर इनमें वापस डिवीजन होगा एक न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद में फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो जिसके परिणाम स्वरूप एक कॉन्जुगेंट से लास्ट में चार डॉटर पैरामीशियम बनते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन विच कैन बी कॉल्ड एज प्रिमेटिव सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थैंक यू